ये कुकी के तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे जाके बहुत बड़ा मसला होने वाला है। हाँ, मैंने भी नोट किया, बड़ी अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है उसकी, बड़ा ही कोई बेतासुर सा अंदाज है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसने जिसने कुकी को इतना बदल के रख दिया है? एक और बात नोट नहीं की आपने? क्या? अरे कुकी का सामान कहाँ गया? हाँ, इतना ढेर सारा सामान घर से लेकर चली थी, चार दिन बाद वापस आई है तूने कपड़ों में, तक कीमती सामान कहाँ छोड़ाई वो? तुम्हें सामान की पड़ी है यार, और मैं कुकी को देख के हैरान हूँ। और अदनान भाई पहुंचने वाले हैं और मुझे कुकी के अंदाज डरा रहे हैं यार। यही बात अगर मैं कहती ना, पूरा खानदान बेटी समेत मेरी जान को आ जाता। उसको धोखा देने से कोई मसला हल नहीं होगा। अब करना क्या यार? अच्छा, बेडरूम के अंदर मुझसे मशवरे ले रहे हो अभी? बाहर अम्मा बाबा के सामने 2 मिनट नहीं लगते तुम्हें मुझे जलील करने में? अरे यार, तुम्हें पता नहीं किस उम्र में अकल आएगी, किसके सामने क्या बात करनी है, क्या बोलना है, कुछ सोचती भी नहीं है तुम, बस बोल पड़ती है। अरे छोड़े ना, मुझे तो सामान की फिक्र हो रही है, इतनी कीमती चीजें मंगाई, पता नहीं नसीब होंगी भी कि नहीं। अरे यार, अदनान भाई आने वाले, उनको हैंडल कौन करेगा? जिसने हैंडल करना है ना, वो तो आराम से जाके अपने कमरे में लेटी हुई है। आप और मैं है ना ये सब टेंशन लेने के लिए। हाँ, आ गया अदनान भाई, देखता हूँ मैं, जा। नया ड्रामा शुरू। कुकी को बुला दे। वो तो ऊपर अपने कमरे में है। वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, सो रही है, आराम कर रही। फरिया बेटा, जाके उसको उठाओ और कहो कि अदनान आया है। आप रहने दें, मैं खुद दे रही हूँ।